एलटी फूड के आर बिल जैसे चावल कमजोर पर रखिए फोकस। सरकार चावल एक्सपोर्ट पर लगी रोक में ढील दे सकती है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस तय की जाएगी और उसके ऊपर अगर कंपनियां एक्सपोर्ट करना चाहती है तो उस पर छूट दी जा सकती है। फोकस रहेगा एमजीएल पर क्योंकि इन्होंने मुंबई में सीएनजी पीएनजी की कीमतें बढ़ा दी है। डेढ़ रुपए से सीएनजी की कीमत और एक रुपए से पीएनजी की कीमत और ये दोनों नई जो कीमतें वो आधी रात से लागू हो चुकी है। पहली तिमाही का अपडेट आया है गोदरेज कंज्यूमर्स की तरफ से, अच्छा अपडेट है। भारतीय कारोबार में सिंगल हाई डिजिट ऑर्गेनिक वॉल्यूम ग्रोथ है, मिड सिंगल डिजिट की वैल्यू ग्रोथ भी आती हुई दिखी है। आगे भी डबल डिजिट की ग्रोथ का अनुमान कंपनी लगा रही है। कल स्टॉक ऑलरेडी 3.5% ऊपर भी था। क्वार्टरली अपडेट कंटेनर कॉर्पोरेशन का भी निकल कर आया है। Q1 में कुल वॉल्यूम 6% बढ़े हैं, एग्जिम वॉल्यूम में 3.25% की बढ़ोतरी दिखी और डीओ वॉल्यूम डोम वॉल्यूम देखें तो इसमें 15% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। पीटी इंजीनियरिंग क्यूआईपी खुला है, कंपनी का 1054 रुपए की फ्लोर प्राइस तय की गई है 9% डिस्काउंट पर। फोकस करेंगे जुपिटर वैगन्स में, यहाँ पर क्यूआईपी खुला है और इसके लिए 689.47 रुपए प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया गया है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक आरबीआई से गोविंद सिंह साहब को फिर से एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्ति को मिल चुकी है मंजूरी। रखिएगा नजर सन फार्मास्यूटिकल्स पर, एनुअल रिपोर्ट के हाईलाइट्स आए हैं। वित्त वर्ष 2025 के लिए कंसो टॉप लाइन ग्रोथ हाई सिंगल डिजिट में रहने का है अनुमान। स्वान एनर्जी कल एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी और इस ब्लॉक डील में ब्लैक रॉक फंड ने करीबन 45 लाख शेयर खरीदे हैं 668 रुपए के दाम पर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ब्रोकरेज अपडेट्स निकल कर आई हैं। एफएल इंडिया खासतौर से है फोकस में, सिटी की तरफ से बाय की पोजीशन इनिशिएट की गई है, टारगेट 1600 का और इमामी पर भी सिटी बुलिश है और इन्होंने टारगेट 625 से बढ़ाकर अब 900 कर दिया।